बहुत सारे ड्यूट्स ऐसे ऐसे सिंगर्स के साथ गाने गाए जिन्होंने मुझे आज तक उसका एक रुपया पे नहीं किया, जिन्होंने मुझे यूज़ किया, मेरे नाम को यूज़ किया अपने यूट्यूब, उन्होंने मेरे एक एक गाने के साथ गाना गाने के बाद मिलियंस पे कर लिए। किसी का गाना मेरे साथ गाया हुआ 80 मिलियन पे पड़ा है, किसी का 90 मिलियन पे पड़ा है, किसी का 70 मिलियन पे पड़ा है। तो मतलब मेरे से आप इतना पैसा कमा रहे हैं मगर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे भी पेट लगा है, मैं भी अर्न करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे पास भी बच्ची है, मैं भी अपनी लाइफ को लेके चलती हूँ, मेरी कोई राइस मिल नहीं है, मैं यही काम करती हूँ, इधर से पैसा कमाती हूँ और लोग मेरा काम देख रहे होते उस काम से ही मैं अपने घर को चलाती हूँ। एंड आई एम सिंगल मदर, एवरीबडी नोज कि अगर मेरे साथ आप काम करें, मेरे नाम को यूज़ करें, तो आगे से आप मुझे भी कोई माइलेज दें। अगर 4 रुपये मैंने कमा लिए तो फिर मेरा क्या चला जाता है। मगर मैंने ऐसे ऐसे नामों को नाम बना दिया उनके साथ गाना गा के, जिनकी वर्ड शायद वैसी नहीं थी, जिनकी शायद अल्लाह ताला यही चाहता था कि शायद मैं इस तरफ रास्ते में भी थोड़ा सा गौर करूँ और मैं सोचूँ कि जब लोग मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो वाई नॉट मैं ख़ुद अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ, मैं अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस करूँ, अच्छी प्रोडक्शंस करूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया सबसे पहले फिज़ा अली वर्ल्ड के नाम से, जहाँ पर मेरी जितने भी गाने की प्रोडक्शंस हैं, चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। और अभी आते के साथ ही जो है मैंने कॉन्सर्ट्स शुरू कर दिए, जो प्रोफेशनली अब मैं ऑन स्टेज कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ और उसको सलीम नूर जो है प्रॉपरली देख रहे हैं। और सलीम नूर अच्छा बड़ा इंडस्ट्री का नाम है, शरीफ इंसान है, अच्छे हैं, और मैं बहुत इनके साथ खुश हूँ, उनके साथ काम करके इनकी कंपनी को ज्वाइन किया है और काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स हमने ऑलरेडी अभी बुक कर लिए हैं और परफॉर्म कर रही हूँ। तीसरी बात ये कि मैं लाइव परफॉर्म कर रही हूँ, जितने भी जो कॉन्सर्ट्स ये शोज़ हैं उधर मैं लाइव गाना गा रही हूँ। तो लाइव परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि मैं सीडी नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि मैं एफर्ट कर रही हूँ तो मैं लाइव परफॉर्म कर रही हूँ। और जो जो सिंगर्स लाइव करता है मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, जैसे अली ज़फ़र है, और भी बहुत से ऐसे आतिफ असलम हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो लाइव गाते हैं और लोग उनको सुन के मज़ा आता है। तो मैंने भी यही एफर्ट की है, मैंने भी यही कोशिश की है। मेरा ये गाना है बेवफा जो 25th को लॉन्च हो रहा है और मैं अभी गा के भी आपको सुनाऊंगी। ये पहला गाना है मेरा सोलो, लोग बहुत पसंद करेंगे, जो टूटे हुए दिल है, जो ब्रेकअप ब्रोकन हार्ट है, उनके लिए तो ये बेस्ट गाना है। ख़ासतौर पे मुझे लगता है लड़कियां तो बहुत ही इसको सुनेंगी, पसंद करेंगी। इसको डायरेक्ट किया है जहाज़ेब यूजी ने, ऑल दो बहुत छोटी एज के हैं मगर बहुत चीता काम करते हैं। मैंने इनके साथ को 5-6 वीडियो फड़का दिए, मगर ये बजटेड ज़रा हैवी बजटेड गाना था, तो मैं चाहती थी कि अगर पैसा लग रहा है तो कोई ऐसे इंसान को पैसा दिया जाए जो सही जगह पे पैसा लगाए भी, ये ना हो कि मैं अगर जैसे ये 15 लाख में हमारी वीडियो बनी है, तो मुझे ये था कि अगर ये 15 लाख की वीडियो है तो इसमें से 15 लाख पूरा लगे, ये ना हो कि 10 ये रख लें तो 5 लाख का वीडियो बना के मुझे कहें कि वीडियो बन गई। तो मेरे पास हर चीज़ है, हिसाब खाता खुला, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ी एनिमेशंस और बड़ी ऐसा लगता है सिनेमा स्क्रीन की आप वीडियो देख रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच जहाज़ेब, आपने इतनी अच्छी एफर्ट की उस वीडियो में और अल्लाह ताला आपके भी काम को जो है 4 चांद लगाए जिस तरह से आपने मेरा वीडियो बनाया। और ये सॉन्ग अब मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी क्योंकि 25th को कल लॉन्च है इसकी, तो सब पूरा पाकिस्तान जो है, पूरा जो पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं वो इस वीडियो को कल देखेंगे ऑफिशियली। तो थोड़ी सी लाइन आपके सामने मैं गुनगुनाती हूँ। तू की मैनू छड़ना सी तेनू आप मैं छड़िया, जिस दिल विच तू रहिंदा सी तेनू उत्थों कढ़िया। तू की मैनू छड़ना सी तेनू आप मैं छड़िया, जिस दिल विच तू रहिंदा सी तेनू उत्थों कढ़िया। तू मेरी मोड़ दे अंगूठी तेरी हर गल सजना झूठी, मेरी मोड़ दे अंगूठी तेरी हर गल सजना झूठी। झूठा करदा सी मेरे नाल प्यार बेवफा बेवफा, छोड़ दे पीछा मेरा बेवफा बेवफा, छोड़ दे पीछा मेरा। थैंक यू, इसको लोगों के सामने मुनक्कद की है और आप सब लोगों ने टाइम निकाला, आप मधु हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का। और एज़ यूजुअल मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैं टाइम पे आती हूँ, तो इसलिए मैं 1 घंटे से गाड़ी में बैठी हुई थी मगर जो मेरी बाकी टीम है वो लेट थी,
जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा माजरा चाहती हूँ। मैंने बड़ा सच बताया कि मैं एक घंटे से गाड़ी में वेट कर रही थी और मैं आ जाती और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती, अच्छा नहीं लगता क्योंकि सबकी बहुत एफर्ट थी, कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से ये लोग लेट हो गए। एनीवे अल्लाह इनको हिदायत दे। अब हम बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसको हम आज यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। कल 25th मेरा एक गाना है बेवफा, जो कि मेरा पहला सोलो सॉन्ग है और बड़ी एफर्ट के साथ हमने इसको बनाया है, गाया है। और हिस्ट्री पहले मैं आपको पीछे बता देती हूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ। आवाज़ में आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये करने का मकसद ये था कि मैं बता सकूं कि मैं फुल फ्लेज सिंगिंग में फोकस कर रही हूं, मैं सिंगिंग ही कर रही हूं और अब सिंगिंग पर ही काम करूंगी। तो आप सब सुनिए और दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बताऊँ, मेरे साथ मुझे लगता है बेवफाई हुई नहीं है। बेवफाई वो होती है ना जब आप किसी और के साथ नैन मटक्का कर रहे हो और मुझे कोई धोखा दे रहा हो और मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा हो। मुझे लगता है बेवफाई वहाँ होती है जहाँ पर आप किसी से छुप के कहीं इश्क लड़ा रहे हो, नैन लड़ा रहे हो और आपकी बीवी को पता ना हो या आपकी घरवाली को पता ना हो। तो मेरे साथ ऐसा चाहिए वाला सीन नहीं था, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो फैमिली की मर्ज़ी थी जिसकी वजह से चौखटें जो है वो बदल ली गई, मगर बेवफाई मेरे साथ हुई नहीं। मगर अब इस गाने के बाद मुझे लगता है एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। अल्लाह करे अब मुझे ज़िंदगी में कोई बेवफा ना मिले और जो मिले अच्छा मिले, अच्छा साथी हो इस बेवफाई पे। जी कोई अच्छा आदमी मिल जाए, इरादा है जी। देखें हर इंसान को शौक होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको उसका अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तो हो सकता है जैसा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए मुझे नहीं मिला फिलहाल, नहीं मिला। क्या हो गया, तुम लाइफ पार्टनर हो मगर बेटी हो यार। अच्छा तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कोई इतना अच्छा इंसान आए जो मुझे परियों की तरह रखे, मुझे शहजादियों की तरह रखे और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, मुझे समझे, तो मुझे कोई समझे और मेरे दुख दर्द का साथी हो और जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँ तो मेरे साथ एक कप चाय का इंजॉय करें, बैठे पिए बातें करें। ऐसी ज़िंदगी सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको कुछ पूछ ले, बहुत हंस रहे, दांत निकाले, पूछ ले पूछ ले। मुझे तो शाक साहब ने कहा खामोश रहना क्योंकि नहीं नहीं आप कुछ पूछते हैं ना तो खतरनाक होता है। पूछे देखिए, वो प्लांट है, खुल के पूछते हैं। अच्छा ये पूरा एल्बम है, इस पूरे एल्बम में हम कितने गाने कर रहे हैं? 12 गाने। इस पूरे एल्बम में हम 12 गाने कर रहे हैं और इस पूरे एल्बम का नाम ही बेसिकली बेवफा है, मगर पहला सॉन्ग भी इसका जो हमारा टाइटल है वो बेवफा है। आप दोनों